हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और मोस्ट अवेटिंग एक्सरसाइज। अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जल्दी से एक्सरसाइज 4.2 जो है इसकी वीडियो बनाई जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 को। इससे पहले हमने 4.1 को कवर किया, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1, इनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैप्टर वाइज लिंक मौजूद है, आप उन पर क्लिक करके तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। तो वी हैव एक्सरसाइज 4.2 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा, अब द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज के वेन एवर देयर आर 3 टर्म्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे पास जब 3 टर्म्स आती हैं, सो आइदर वी आर गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म, क्या हमने ब्रेकिंग मिडिल टर्म करनी है, या फिर हमने जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखना है तो कभी मुश्किल नहीं आने वाली। देखो, जब भी पहली और आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आपने वहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है, जो कि बेसिकली हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। लेकिन अगर हमारे पास पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, तो फिर आपने वहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म करनी है। कैसे करना है तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 1, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। देखो, पहली टर्म ए की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? देखो, ऐसा लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक्स की पावर 4 को भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लगेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के दो फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है जल्दी से बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर आपने सबसे पहले यही करना है कि जल्दी से हम ब्रैकेट्स बना लेते हैं, ए स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि हम प्लस 2 के साथ जाएंगे, प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बना ली। अब देखो, ए की पावर 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर है, हमें पहली और आखिरी को ब्रेक करना है, और एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चों? अब ये हमारा ए आ गया, ये हमारा बी आ गया, तो ए की जगह पर ए स्क्वायर, बी की जगह पर एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब जरा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। चलो स्टूडेंट्स, अब जरा इस चीज को समझना। देखो, यहां पर अगर देखते हैं तो हमारे पास ए की पावर 4 था, देखो आ गया ए की पावर 4, एक्स की पावर 4 था, आ गया एक्स की पावर 4। अब यहां पर देखो, मिडिल में हमारे पास 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, लेकिन हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए। तो हमने कितने बढ़ाए, हमने 1 बढ़ाया। तो जब भी, याद रखो, मैथ में आप कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो उसको आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, उसको घटाना भी होता है, उसको कम भी करना होता है। तो मैंने 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बढ़ाया, तो 1 कम भी करूंगा, तो यहां पर लिख दूंगा माइनस 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप 1 नहीं लिखना चाहते तो भले ना लिखें, तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों? अब आपने इस फॉर्मूले को बंद कर देना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हम ऊपर लिख लेते हैं, जो कि आपने सॉल्यूशन में लाजमी लिखना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जरा आप देखो, समझना है इस चीज़ को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दफा समझ आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा पहले क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम लगाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आगे क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, ये जो कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पर नजर आ रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है, हमने इस कंडीशन में आना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमने इसको बंद कर देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए कौन है? देखो, यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो अक्सर ये लिख देते हैं ए की पावर 4। देखो, ये गलत है, ये ए की पावर 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, हमें खाली ए चाहिए, खाली ए ये है, क्योंकि ये ए का स्क्वायर है, तो ये खाली ए, तो यहां पर आया ए स्क्वायर, बी से प्लस लगा और बी कौन हुआ एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई बात? हमने इसको बंद कर दिया। क्लियर है? चलो अब आओ माइनस पे, ये हमने इनको मिलाकर बंद कर दिया, अब आते हैं माइनस पे। चलो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ए एक्स का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर में बाहर ले गया और बाहर लिख दिया,
क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो इस पूरी ब्रैकेट को, हाँ 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 क्या मानना है, ए मानना है और इसको बी मानना है। फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये पूरी ब्रैकेट ए है और ये बी है, तो जरा देखो कैसा खुलेगा। ए प्लस बी, ए कौन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा ए है। अब प्लस लगाया, बी कौन है, ए एक्स। इसी तरीके से एक और ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ए कौन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस लगाया फॉर्मूले का और बी कौन है, ए एक्स। एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, डू लाइक अवर वीडियो, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, और वो हमारे पास है पार्ट नंबर 2। ज़रा जल्दी से उसको कॉपी कर लो ताकि हम जो है वो पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। नाउ देखो, बिल्कुल पार्ट नंबर 2 उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे सॉल्व जो है आपने करना है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो अगेन, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो 3 ब्रैकेट्स बना लूँ। अच्छा, ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं करनी, क्योंकि पहली टर्म भी किसी का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 भी किसी का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। ठीक है, ये पहचान है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट्स बना लिया करो। चलो, b की पावर 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, बी स्क्वायर का स्क्वायर है। हर बच्चा ये बात समझता है, और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा a आ गया, तो मैंने यहाँ a लिख दिया, और ये b आ गया तो मैंने यहाँ b लिख दिया। क्लियर, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b की पावर 4 हो जाएगा, 2 टू द 4, ये हो जाएगा 2 1 2 बी स्क्वायर, 2 1 2 और बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो बच्चों, b की पावर 4 था, b की पावर 4 आ गया, 1 था 1 आ गया। अब यहाँ पर एक बी स्क्वायर था, हमने कितने कर दिए, 2 कर दिए, एक बढ़ा दिया, तो एक माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस का 1 बी स्क्वायर, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो खाली बी स्क्वायर लिख दिया। क्लियर, अच्छा जी। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगेन सेम वही कहानी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम मन कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन होगा, b स्क्वायर होगा, और b कौन होगा, ये 1 होगा। चलो ये तो हो गया बंद, ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर में। अब आ जाओ उस तरफ, तो ये माइनस लगाया, b स्क्वायर को स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, b का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अगेन वही बात आ गई कि इस ब्रैकेट को a मान लो, इसको b मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, तो अब हमने एक दफा प्लस में लिखना है, एक दफा माइनस में, ए प्लस बी, तो ये पूरा ए है, तो बी स्क्वायर प्लस 1 ये ए आ गया, फिर प्लस लगाया बी, तो ये हमारे पास बी आ गया, ए माइनस बी, बी स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस बी। अच्छा, अब आप इसको अगर सीक्वेंस से लिखना चाहें तो बी की पावर 2 पहले आएगी, फिर बी की पावर 1 आ जाएगी। चलो यहाँ अरेंज करके लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 और बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। ठीक है, आंसर ये भी परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट है, लेकिन अच्छा ये होता है कि अगर हम इसको सीक्वेंस से अरेंज कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को लिखा जाता है, अलजेब्रा के अंदर हमेशा याद रखें ये रूल है कि सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे जो है वो छोटी पावर। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, और अगर कॉपी नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो। फिर हम अपने पार्ट नंबर 3 का जिक्र करते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है। सो जल्दी से देखते हैं, लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 3। अगेन बच्चों वही पैटर्न, प्लस चल रहा, तो 3 ब्रैकेट्स बना देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। अक्सर बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर माइनस टू ए बी क्यों नहीं लग रहा, तो देखो ये जो दरमियान का साइन है प्लस, ये हमें बताता है कि यहाँ पर प्लस टू वाला लगाना है या माइनस टू ए बी वाला लगाना है। क्लियर। चलो ए की पावर एट किसका स्क्वायर है, ए की पावर फोर का, सही है, पावर पे पावर आई, फोर टू जा एट, तो वापस यही आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स की पावर एट एक्स की पावर फोर का स्क्वायर। क्लियर। ये हमें ए मिल गया और ये हमें बी मिल गया। चलो अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया ए की पावर एट और ये हो जाएगा हमारे पास टू ए की पावर फोर एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर एट। अगेन अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ए की पावर एट एक्स की पावर एट, परफेक्ट। यहाँ पर हमारे पास ए की पावर फोर और एक्स की पावर फोर जो है ये सिर्फ एक दफ़ा था, तो अब हमने इसको एक बढ़ा दिया तो एक माइनस भी कर देंगे, माइनस ए की पावर फोर एक्स की पावर फोर। क्लियर। तो अब इसे हम बंद कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो इसको हमने बंद कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कौन था बच्चों, ए की पावर फोर प्लस बी कौन था एक्स की पावर फोर। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब ये माइनस लगाया, अब इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, दोबारा यही आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है तो इसलिए हम अपनी मर्जी से इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। नाउ इस ब्रैकेट को ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ये बना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक बात बच्चों। चले आगे देखते हैं, तो अब a प्लस बी, ए की जगह ये पूरी ब्रैकेट a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस लगाया, अब b कौन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी, ए कौन है a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस लगाया, b कौन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एंड दैट्स योर परफेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ यहाँ पर, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बुक के अंदर आपके यहाँ पर मिस्टेक है, उन्होंने खाली एक्स दिया हुआ है, तो जल्दी से उसको ठीक कर लो, दैट इज़ बेसिकली एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, थोड़े से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। बस मैथ बेसिकली डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर फोर, जल्दी से हम उसका जिक्र करते हैं और उसको देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। तो जहां पर भी आंसर में मैं आपको करेक्शन करवाता हूं, अगर क्वेश्चन में करेक्शन करवाता हूं तो काइंडली उसको साथ साथ करेक्ट कर लिया करो, फिर एग्जाम के दिनों में परेशान रहोगे क्योंकि फिर समझ में नहीं आ रही होती कि सर ये तो आपने कुछ और करवाया था, पीछे आंसर कुछ और है, क्योंकि ये बुक न्यू है, फर्स्ट टाइम जो है वो मार्केट में अवेलेबल हुई है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ ये मिस्टेक्स जो है वो यकीनन इनको वो ठीक कर लेंगे। चलो यहाँ पर भी अगेन वही काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो जेड की पावर एट जेड की पावर फोर का स्क्वायर है, क्लियर, और वन किसका स्क्वायर है, खाली वन का। चलो तो यहाँ पर आ जाएगा z की पावर 4, यहाँ आ गया 1, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो z की पावर 8 प्लस 2 z की पावर 4 प्लस 1। तो अब हमारे पास z की पावर 4 1 था और हमने कर दिए 2, तो 1 माइनस भी करना पड़ जाएगा, माइनस z की पावर 4। क्लियर। चलो अब इसको बंद कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए था जेड की पावर फोर बी था वन, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो भाई माइनस लगाया, ठीक है, जेड की पावर फोर को यू लिख सकते हैं बच्चों, जेड स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब ये हमारे पास बना ए और ये हमारे पास बना बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। ए कौन है बच्चों, जेड की पावर फोर प्लस वन, ये ए है, प्लस लगाया, बी कौन है जेड स्क्वायर, ए माइनस बी, तो ए कौन है जेड की पावर फोर प्लस वन, फिर हमने माइनस लगाया और जेड स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ज़रा जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर ये क्वेश्चन हमारे पास मजीद जो है वो भी सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे हो रहा है तो उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं किस तरीके से ये हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो देखो अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो z की पावर 4 और z स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया पावर के हिसाब से हम अरेंज करते हैं हमेशा अलजेब्रा के अंदर, तो z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। अच्छा अब ज़रा इस चीज़ को देखो, थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट है इसके अंदर हम एक फार्मूला और लगा सकते हैं, ज़रा इसको देखना है, इसको देखना है। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर z की पावर 4 को मैंने ब्रेक कर दिया z स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बात समझ में आ रही है। माइनस लगाया और z का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों z का स्क्वायर, क्लियर हुई बात बच्चों। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है जरा जल्दी से देखो। तो ये हमारे पास a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस के साइन है, तो ये एज इट इज चलता रहेगा। तो z की पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1, अच्छा बुक के अंदर आपके अंदर यहाँ पर भी माइनस गिवन है तो उसको ठीक कर लो, दैट वुड बी प्लस, ठीक है ये मिस्टेक है, ये प्लस होगा। अच्छा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी, तो ए कौन है जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी कौन है खाली z, और a माइनस बी यानी कि z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z। अब आप इसको सीक्वेंस अरेंज करना चाहें तो z को पहले ले आए 1 को बाद में, z को पहले 1 को बाद को, तो दैट इज योर परफेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों चारों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट पे अपनी राय का इजहार लाजमी किया करो, और साथ साथ वीडियो को शेयर किया करो ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं करते तो वो भी आसानी से इन चीज़ों को समझ सके। तो अब बच्चों हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। So now students we are heading towards our last question of today's video, that is question number 2, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा फर्क है तो उसको सबसे पहले देखना है, ठीक है। Whenever there is a question related to factorization, हमेशा याद रखें that is question number 2. Factorize के अंदर सबसे जो पहला स्टेप है that is taking common, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 1 है कि यू हैव टू टेक कॉमन इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है कहीं पर कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट हमारे पास ब्रेकिंग बिलियन ड्रम का रूल नंबर 1 क्या है कि हम सबसे पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 वन ज़ा 21, चलो भाई अब हम क्या करते हैं कि हमने पहली ड्रम ऐसे ही लिखी, ये 2 तो बाहर चलता रहेगा, अंदर की बात करते हैं। तो ये 21 हमने ऐसे लिख दिया 21x² और माइनस का 1, पहली और आखिरी ड्रम को आपने एज इट इज़ लिख देना है। हमें माइनस का 4 चाहिए, चलो टेबल पढ़ते हैं, 3 7s are 21, आप 7 में से 3 चले जाएंगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो अब लेकिन मुझे माइनस का 4 चाहिए तो इसलिए बड़े के साथ माइनस छोटे के साथ प्लस, क्लियर। तो अब माइनस 4 की जगह मैंने यहाँ लिख लिया माइनस 7 प्लस 3,
क्लियर, यहाँ पर x था तो इधर भी x, इधर भी x। चलो भाई बात समझ में आई, इस तरीके से ब्रेकिंग बिलेट ड्रम होती है। चलो भाई टू बाहर रहा, अब शुरू के दो में से कॉमन लेंगे, आखिरी के दो में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सेवन के टेबल में 21 आता है, तो सेवन कॉमन ले लेंगे, एक एक्स दो एक्स, तो एक एक्स हमने कॉमन ले लिया। क्लियर, अब पीछे क्या बचा, तो यहाँ पर सेवन के टेबल में 21 कब आता है, सेवन थ्री जै 21। क्लियर, देखो इसके पास दो एक्स थे, एक चला गया, एक बच गया इसके पास। क्लियर, प्लस माइनस माइनस, सेवन एक्स पूरा बाहर जा चुका है, कुछ नहीं बचा तो वन बचा। क्लियर, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा आप इस पर तवज्जो दें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। थ्री और वन में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो पहला जो साइन होता है प्लस, ये कॉमन, ठीक है, वन के टेबल में थ्री आता है तो वन कॉमन ले लिया हमने। क्लियर, अब वन के टेबल में थ्री कब आता है, वन थ्री जै थ्री और एक्स एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, वन के टेबल में वन, वन वन जै वन। चलो अगर आपने ब्रेकिंग बिलियन टर्म परफेक्ट की होगी, हमेशा याद रखो ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगी, तो थ्री एक्स माइनस वन दो दफा आ रहा है, तो एक दफा लिख लेंगे थ्री एक्स माइनस वन, पीछे क्या बचा, सेवन एक्स प्लस वन, सेवन एक्स प्लस वन, और ये जो टू था ये हमारे पास बाहर एज इट इज चल रहा था। एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर ऑफ पार्ट नंबर वन। उम्मीद है बच्चों ब्रेकिंग बिलियन टर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है काइंडली लाइक एंड शेयर, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ताकि हर नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंचती रहे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर टू की, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। चलो भाई देखो, अगर किसी बच्चे को ब्रेकिंग बिलियन टर्म नहीं समझ में आ रही तो काइंडली आप हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। हम फिर ब्रेकिंग बिलियन टर्म से रिलेटेड एक प्रॉपरली जो है वो एक नई वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ ब्रेकिंग बिलियन टर्म का ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ब्रेकिंग बिलियन टर्म सीखना सेपरेटली, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से कमेंट करके बता दो या आप हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 21 z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 1। देखो अब यहाँ पर भी तीन टर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन अगेन कहानी क्या है कि पहली टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग सकता। तो ब्रेकिंग बिलियन टर्म अगेन बिल्कुल सेम जो है वो मेथड है, जैसा कि पिछला स्टेप था वैसे ही होगा। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 21 वन 21, पहली टर्म ऐसे ही आ जाती है, आखिरी ऐसे ही आ जाती है, 21 z स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, माइनस का 4 चाहिए तो वही अगेन 3 7 21, 7 में से 3 चले जाएंगे 4 आ जाएगा, तो बड़े के साथ माइनस छोटे के साथ प्लस, तो माइनस 7 प्लस 3, इसके साथ z था तो इधर भी z, इधर भी z। अच्छा कुछ बच्चों के जहन में ये कन्फ्यूजन होती है कि सर अगर ये 3 यहाँ लिख दें 7 वहाँ लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलो अब इन 9 में से कॉमन ले लेते हैं, तो 7z कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा, 7 3 जै 21, 2z थे एक बार गया एक बच गया, माइनस क्या नाम है 7z पूरा बार चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्लियर, 3 और 1 में से 1 कॉमन, 3 के साथ पहला वाला साइन प्लस था, कॉमन 3 आया, 1 3 जै 3 z ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस 1 के टेबल में 1, तो ये हमारे पास 3z माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा 7z प्लस का 1, एंड दैट्स योर परफेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट, बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस ज़रा जल्दी से इनको कॉपी करते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगेन आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे कि रिपीट करें और आप तक उसको पहुँचाएँ। ना नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स हम, दैट इज़ पार्ट नंबर 3। बहुत इजी सा पार्ट है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जरा जल्दी से देख लो। और जो पार्ट नंबर 2 अभी स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर बुक के अंदर कोई एक नई कहानी था, कोई बिल्कुल किसी और क्वेश्चन को उठाकर उन्होंने आंसर लिखा हुआ था, तो काइंडली जो आंसर आपको भी लिखवाया हमने, जो प्रूफ किया, वो आंसर आपने बुक में करेक्ट कर लेना है। नाउ पार्ट नंबर 3 पर आते हैं स्टूडेंट, सो दैट इज 9y² + 21 yz⁴ - 8y², ठीक है। चलो भाई सबसे पहले तो कॉमन देखो, 2y 1y 2y, तो 1y कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, पीछे क्या बचेगा 9y + 21y बाहर चला गया, खाली z की पावर 4
माइनस एट वाई, दो वाई थे एक बार चला गया, क्लियर है बात बच्चों याद है? अच्छा जी, अब देखो 9y 8y एक जैसे हैं, अभी ब्रेकिंग मिरर टर्म करने की जरूरत नहीं है, जरा तवज्जो से करना है, बहुत आसान सा सवाल है। 9y और 8y, y एक जैसे हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गया 1, तो 1y, प्लस का पीछे क्या बचा 21 z की पावर 4, और यही आपका आंसर है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर आने के बाद अगेन ब्रेकिंग मिडिल टर्म शुरू कर देंगे, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये वाई सेम है, तो प्लस माइनस होकर खाली वाई बच गया, ठीक है। सो वाई इंटू वाई प्लस 21 जेड की पावर 4 इज योर परफेक्ट आंसर। तो मूव ऑन होते हैं स्टूडेंट्स अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। जरा जल्दी से देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में वो हमसे क्या कह रहे हैं। So that is 24 a square minus 18 a minus 27। अच्छा बुक के अंदर अगेन ये मिस्टेक है बच्चों, ये प्लस है, बुक के अंदर प्लस को करके माइनस कर दो, अदरवाइज ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं हो सकती। चलो भाई सबसे पहला काम टेकिंग कॉमन, तो थ्री ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये सारे नंबर आते हैं। चलो भाई 3 8 24 a square as it is आ गया, 3 6 18 a as it is आ गया, 3 9 27, क्लियर। देखो अब दूसरी टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन पहली नहीं है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं लग सकता, ब्रेकिंग मिडिल टर्म के साथ जाएंगे। तो पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 9 72, क्लियर। चलो भाई पहली टर्म ऐसी आ जाएगी 8 a square, आखिरी वाली ऐसी आ जाएगी -9, मुझे 6 चाहिए माइनस का, ठीक है। चलो भाई 12 6 72, 12 6 72, ठीक है। माइनस का 6 चाहिए, तो ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 जाएंगे 6 बच जाएगा, बड़ा 12 तो माइनस का 6 बचेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस का 12 प्लस का 6, और इसके साथ a लगा हुआ था तो यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो भाई अब इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो 4 के टेबल में दोनों आते हैं, बड़े से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। 4a कॉमन ले लिया, तो पीछे यहाँ पर 4 2 8 और एक ए बचा माइनस 4 3 12, ए एक था बाहर जा चुका। चलो भाई यहाँ पर से 3 कॉमन आएगा, क्लियर। 3 2 6 ए प्लस माइनस माइनस 3 3 9, तो अगर आप ये प्लस का 27 रखते तो ये आपका आंसर मजीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाता, तो ये भी बुक के अंदर एक मिस्टेक थी, 2a - 3 कॉमन आ गया, तो पीछे बचा 4a + 3, एंड दैट्स योर परफेक्ट आंसर 2a - 3, 4a + 3। अगेन आपकी बुक के अंदर जो है वो मिस्टेक है, उन्होंने खाली a + 3 दिया हुआ है, दैट्स रॉन्ग, तो उसको करेक्ट कर लो, दैट वुड बी 4a + 3। तो उम्मीद है बच्चों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत सारा आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा। तो दी एजुकेशनल हब को लाजमी सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।